ये घर अभी आकार ही ले रहा है, लेकिन जो पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो यकीन मानिए सबके सपनों को सच करने जैसा होगा। दरअसल ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली घर होगा, जहां ना आपको बिजली का खर्चा उठाना है और ना ही पानी का। शुद्ध हवा और सूरज की रोशनी अलग से मिलेगी। और आपके लिए ऐसा इको फ्रेंडली स्मार्ट घर बनाने की तैयारी में जुटे हैं आईआईटी बॉम्बे के छात्र। हम आईआईटी बॉम्बे परिसर में अभी खड़े हैं और आईआईटी बॉम्बे परिसर में ये इको फ्रेंडली हाउस जो है ये आईआईटी के बच्चों द्वारा बनाया गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो दीवारें हैं वो सीमेंट और ईंटों से नहीं बल्कि जो एग्रो वेस्ट होता है उससे बनाई गई हैं। वहीं इस घर में सारे इको फ्रेंडली चीज़ों का ख्याल रखा गया है जिससे इस घर को बनाया जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे जब ये पूरा घर बनके तैयार हो जाएगा। वहीं पानी जो होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है जब घर बनाया जाता है, तो पानी को किस तरीके से कम यूज़ करना है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। रिसाइकल किया जाएगा पानी को घर बनाते समय, इसके लिए भी सिस्टम्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट इस पूरे घर में बनाने के लिए लगाया गया है वो है नेट ज़ीरो एनर्जी, नेट ज़ीरो वाटर और नेट ज़ीरो कार्बन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो वाटर और नेट जीरो कार्बन कॉन्सेप्ट क्या है, तो इन छात्रों से ही इस कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तार से सुनिए। सबसे पहले जानते हैं नेट जीरो एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि बारिश के दिनों में बिजली का इंतजाम कैसे होगा, इसका इंतजाम भी है इनके पास। सीमेंट का यूज़ यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन में कर रहे हैं, जहाँ पे हम रफ फुटिंग बोलते हैं वो यूज़ किया है इसीलिए। एंड बाकी जो है हम जहाँ पे पानी वॉशरूम्स है, जहाँ पे हम लोग बैटरीज रख रहे हैं, वहाँ पे सेफ्टी इश्यूज़ के लिए हम लोग सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो हमारे वॉल्स है वो इको बोर्ड से बने हैं, दैट इज़ मेड फ्रॉम एग्रो वेस्ट। तो हमारा जो गन्ना होता है, गन्ने को हम लोग कंप्रेस करके बनाते हैं ये बोर्ड्स, और इंसुलेशन के लिए, ताकि मतलब हम लोग जो बाहर जो टेम्परेचर है और अंदर का टेम्परेचर, घर का टेम्परेचर, उसको अलग कर सके, उसके लिए हम लोग ग्लास वूल यूज़ करते हैं जो ओवेंस कॉर्निंग दे रहा है हमें। सो इस तरह से हम लोग जो दीवार है उसके लिए सीमेंट यूज़ नहीं कर रहे, ना ही ईंटें यूज़ कर रहे, और हम लोग वुड से बेसिकली हम लोग घर बना रहे हैं। अब नेट जीरो कार्बन का कॉन्सेप्ट समझिए। घर बनाते टाइम या घर के ऑपरेशनल पीरियड में बहुत सारा कार्बन एमिशंस होता है, CO2 एमिशंस होता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करें और ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें जिससे घर में ना बनाते टाइम और जो घर बनने के बाद जब घर चल रहा है उस टाइम पर जो भी कार्बन एमिशंस हो वो सारा हम और ओवरऑल जीरो कर पाए। इस घर में सीमेंट का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है, दीवारों पर सीमेंट की जगह एग्रोवेस्ट का इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल प्रयोग के तौर पर ये घर आईआईटी बॉम्बे परिसर में ही तैयार हो रहा है, बाद में इसे अलग अलग लोकेशन पर बनाने की भी तैयारी है। इन्हें सरकार और अलग अलग संस्थानों से फंड भी मिल रहा है। ये घर बनकर तैयार होगा तो बतौर मॉडल इसे US में आयोजित होने वाली डेकाथलॉन प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया जाएगा। इस घर में बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेशन द्वारा भी चलाई जाएंगी, तो ऐसे में भारत के लिए या मुंबई के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो जाता है जिसको ये बच्चे US में जल्द ही रिप्रेजेंट करेंगे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।